जैसे जो केडीबी बोर्ड है उसके द्वारा इस टाइप के जो भी तीर्थ हैं उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, काफ़ी सारे हो चुके हैं और कईयों के अभी जब पिछली बार सीएम साहब आए थे तो उनके फाउंडेशन स्टोन भी रखवाए हैं। तो हम पूरी संवेदनशीलता से लगे हुए हैं और जो भी इस प्रकार के हमारे संज्ञान में आते हैं उन कवियों को, उन महान लेखककारों को हम सम्मानित करेंगे, उनका आदर सम्मान भी करेंगे। मैडम हमारे बिल्कुल इसके लिए ही सरकार ने ये सारा रखा है और इससे पहले भी सरकार इस प्रकार के करते रही है, और ताकि जो एक दिन प्रतिदिन वेस्टर्न कल्चर के चलते जो हमारी संस्कृति में हमारे खुद के इंडियन वैल्यूज़ हैं उसकी कमी जो हो रही है उसको सुधार लाने के लिए ये एक मुहिम सरकार की चलाई गई है और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। उदय सिंह जी का किला है, ये आर्कोलॉजिकल विभाग के पास है जिसमें कि जो भी कार्य करना है वो आर्कोलॉजिकल विभाग के तहत ही आता है, और जो बात है कि उसके आगे जो ज़मीन है वो जैसा कि मुझे बताया गया है उसका केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका समाधान कराया जाए, हम उसकी स्ट्रांगली पैरवी करेंगे हाईकोर्ट में ताकि वो ज़मीन हमारे प्रशासन के पास आ सके और हम उसको अच्छे से विकास कर सकें। सरकार से हम जो ये भाई संतोष सिंह जी की जो सभा है उनके द्वारा जो अनुरोध किया गया है कि जो मूर्ति है उसको भाई उदय सिंह जी के जो किला है उसके पास में लगाई जाए, इसके लिए भी हम आर्कियोलॉजिकल विभाग से पत्राचार करेंगे और जैसा ही उनसे स्वीकृति आएगी हम ऐसा करा देंगे। थैंक यू।